अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुकद्दस खान यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको ऐमन ख़ान और आयज़ा ख़ान की वेस्टर्न ड्रेस में तस्वीर दिखाएंगे। ऐमन ख़ान और आयज़ा ख़ान ने सेम ड्रेस ज़ेबतन किया हुआ है। नाजरीन आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और बताएंगे कि वो कैसी लग रही हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई अपडेट का नोटिफिकेशन आसानी आप तक पहुंच सके। ऐमन ख़ान और आयज़ा ख़ान दोनों ही बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा हैं। दोनों की फैंस फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। आयज़ा ख़ान के फैंस उनकी हर तस्वीर पर बहुत ही लाइक्स और कमेंट्स भेजते हैं। पहले ऐमन ख़ान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली अदाकारा थी, लेकिन आयज़ा ख़ान ने ऐमन ख़ान को भी पीछे छोड़ दिया और इंस्टाग्राम पर इस वक्त उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन ऐमन ख़ान फिर भी पीछे ना रही और चंद ही दिनों में उन्होंने भी 8 मिलियन फॉलोअर्स का हदफ पूरा कर लिया। ऐमन ख़ान और आयज़ा ख़ान दोनों ही मैरिड लाइफ गुजार रही हैं और दोनों ही अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छा टाइम देती हैं। दोनों सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहती हैं और जैसे ही कोई तस्वीर इनकी सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है तो इन्हें हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। ऐमन ख़ान और आयज़ा ख़ान दोनों ही अपनी अदाकारी से अपने फैंस के दिलों में राज करती हैं। नाजरीन आपको दिखाते हैं कि आयज़ा ख़ान ने और ऐमन ख़ान ने कौन सा सेम ड्रेस पहना है। जी नाजरीन, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आयज़ा ख़ान ने मगरबी लिबास में वाइट एंड ब्लैक पेंट कोट ज़ेबतन किया हुआ है। आयज़ा ख़ान ने इस तरह का वेस्टर्न ड्रेस फर्स्ट टाइम पहना है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाजरीन, आपको उनका ये वेस्टर्न ड्रेस वाली लुक कैसी लगी? अब आपको हम ऐमन ख़ान का भी दिखाते हैं। ऐमन ख़ान ने टाइम आउट विद ऐहसन ख़ान के शो में ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पेंट कोट ज़ेबतन किया जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐमन ख़ान और आयज़ा ख़ान ने दोनों ने ही वेस्टर्न ड्रेस ज़ेबतन किया है और दोनों ने ही ब्लैक एंड वाइट पेंट कोट पहना है। नाजरीन, आपको इन दोनों की ये लुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। साथ ही साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।